नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेलिब्रिटी विकी पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे शख्सियत के बारे में, आपको मैं बायोग्राफी बताने वाला हूँ जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं भारत की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में बीजेपी की टीम के अंदर एक ऐसा चेहरा बनकर आए थे जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ, सादगी के साथ साथ, एक शांतिपूर्ण तरीके से जो नेता कहा जाता है उनके नामों में आता है लालजी टंडन, जो कि आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी ही हमार को खबर मिली और हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को संबल दे तथा उसके साथ साथ में उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन एक ट्रिब्यूट हम हमारी बायोग्राफी के थ्रू लालजी टंडन को देना चाहते हैं, उनके ज़िंदगी के बारे में जो भी जानना चाहते हैं उनके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये जर्नी जो है वो 1935 को 12 तारीख को स्टार्ट हुई थी और टंडन जी का जन्म जो है वो चौक गांव में हुआ था और ये गांव जो है लखनऊ में पड़ता है। तो लखनऊ से निकलकर देश की राजनीति में आना बहुत बड़ी बात थी लालजी टंडन के लिए। उनके पिता का नाम शिव नारायण टंडन था तथा उनकी माता का नाम अन्नपूर्णा देवी था। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने कालीचरण डिग्री कॉलेज से अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया। उसके बाद उनका विवाह कृष्णा टंडन से 26 फरवरी 1958 को हुआ। उनके तीन पुत्र हैं तथा उन्हीं के जो पुत्र सबसे बड़े पुत्र आशुतोष टंडन हैं, उन्होंने ही आज उनकी डेथ का अनाउंसमेंट किया। उनके करियर की बात करें तो उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था तथा विधानसभा से नहीं होकर उन्होंने विधान परिषद से शुरुआत की और यही इनकी परिचय देता है कि बीजेपी के अंदर बहुत सीनियर नेता थे, इसीलिए उन्हें डायरेक्टली विधान परिषद के लिए चुना गया और उत्तर प्रदेश विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को 2 बार ये चुने गए, 1958 से लेके 1984 तक। और उसके बाद में लीडर ऑफ हाउस रहे काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर और 1990 से लेके 1996 तक ये रहे। तो 2 बार ये लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के सदस्य रहे। उनके बाद में उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा और लगातार 3 बार लेजिस्लेटिव असेंबली में गए। 1996 से लेके 2009 तक ये एमएलए के रूप में कार्य किया इन्होंने और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 2003 से लेके 2007 तक। उनके बाद में उन्हें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया उत्तर प्रदेश कैबिनेट के अंदर, जब मायावती की सरकार थी, मतलब बीएसपी और बीजेपी का कंबाइन कॉम्बिनेशन में सरकार चल रही थी। एजुकेशन पूरी तरीके से अलायंसेस हुए थे बीजेपी और बीएसपी के अंदर, तब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कैबिनेट मंत्री के अंदर भी उन्हें पद दिया गया अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। उसके बाद में आपको मैं बताना चाहूँगा, मई 2009 के अंदर ये 15वीं लोकसभा में लखनऊ से चुनाव लड़ा और इन्होंने 40,000 के मार्जिन से बीजेपी के जो जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी लड़ते थे चुनाव, वहीं से उन्होंने चुनाव लड़कर अपने लोकसभा के अंदर अपना स्थान बनाया। और उन्होंने उसके बाद में 20 जुलाई 2019 को टंडन वॉज अपॉइंटेड एज 22nd गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ये गवर्नर के रूप में सुशोभित हुए। इन्होंने रिप्लेस किया आनंदी बहन पटेल को, जो कि पहले गुजरात के थे मुख्यमंत्री थी, लेकिन अब जो है वो खुद भी एक गवर्नर है। और उन्होंने जो है 22वें जो लालजी टंडन है वो 22वें गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश रहे। उनकी अब अंतिम यात्रा के ऊपर बात करते हैं। टंडन जी का जो देहांत हुआ है वो 21 जुलाई 2020 को मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर हुआ और इसका अनाउंसमेंट जो है उनके बड़े लड़के आशुतोष टंडन ने किया। हम उनके परिवार के साथ में हैं तथा लालजी टंडन को सत सत नमन करते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर और उसके साथ साथ में जो उनका जीवन है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गुजरा था और उसी की पॉलिटिकल करियर के साथ में उन्हीं के पथ पर चलते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े आयाम चुने, इसीलिए आज हमने उनकी बायोग्राफी आपके सामने लाई। अगर आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगती है तो आप टंडन जी को ट्रिब्यूट के रूप में लाइक कर सकते हैं तथा उसी के साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में आपकी अगली फरमाइश को भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।